नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गांव शहर बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदर। इसराइल में बॉनफायर फेस्टिवल में शुक्रवार को भगदड़ मचने से एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत, घटना में 100 से ज्यादा लोग घायल। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 3,86,452 नए मामले सामने आए, कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,86,62,967। चौबीस घंटे में देश में 3,498 नए मौत के मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा पहुंचा 2,08,330। हर राज्य में कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड स्तर पर आ रहे हैं, अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की हो रही है कमी। जयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी और 13 महीने के बच्चे की गला रेत कर की हत्या, खुद भी फांसी के फंदे पर झूला। दोनों पति पत्नी केंद्रीय विद्यालय में थे शिक्षक, पुलिस के अनुसार पिछले कुछ दिनों से शादी में जाने को लेकर चल रहा था विवाद। अलवर के लॉर्ड्स डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में गुरुवार को अचानक ऑक्सीजन पैनल खराब हो गया, वेंटिलेटर के 5 मरीजों को सामान्य अस्पताल में किया गया शिफ्ट। शिफ्टिंग प्रक्रिया में देरी होने के चलते एक मरीज की हुई मौत, मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के कोविड वार्ड के हालातों को लेकर लगातार 2 दिन में दूसरा वीडियो वायरल, कोविड सेंटर में बत्ती गुल होने के बाद वेंटिलेटर बंद होने से मरीजों की जान पर आई आफत। टोंक के सआदत अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं होने के चलते अस्पताल प्रशासन ने कोरोना मरीजों को किया डिस्चार्ज, अस्पताल में पुलिस का लगाया पहरा। प्रशासन ने कहा हमारे पास महज 30 सिलेंडर है और खत्म होने को है, ऐसे में सामान्य मरीजों को किया गया है डिस्चार्ज। दौसा में रहने वाले हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और राज्य मानव अधिकार आयोग सदस्य महेश शर्मा का एसएमएस अस्पताल में निधन, हृदय गति रुकने से हुआ निधन। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,269 नए मामले सामने आए, प्रदेश में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5,80,846। प्रदेश में 158 मरीजों ने कोरोना के चलते तोड़ा दम, अब तक 4,084 मौत का आंकड़ा पहुंचा। झालावाड़ जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में एक शख्स ने समय पर कोरोना रिपोर्ट नहीं मिलने के चलते बेटी के हाथों में तोड़ा दम, मेडिकल कॉलेज के ढीले रवैया आया सामने। बींजवाला उप तहसील में फिर बढ़ने लगा कोरोना का कहर, उप तहसील क्षेत्र में 15 लोग आए पॉजिटिव। जैसलमेर में 1,239 कोरोना सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें से 375 जनों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। हरनावदा शाहजी में तहसील प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर करीब 150 दुकानें सील।
आगामी आदेश तक सील करने के नोटिस किए जसपा। गाइडलाइन की पालना करने वाले दुकानदारों पर भी हुई कार्रवाई। जालौर में तेज हवा के साथ रेत का बवंडर, 25 दिनों में लगातार चौथी बार आया बवंडर। बवंडर के साथ कई हिस्सों में तेज बारिश, बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू। जैसलमेर में निर्धारित चिकित्सा संस्थानों पर टीकाकरण सत्रों का आयोजन। 45 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों को वैक्सीन की प्रथम और द्वितीय डोज लगाई जाएगी। शिवपुरा घसी के रामसरा में हुई 100 लोगों को वैक्सीनेशन। 2 दिनों में 180 ग्रामीणों को लगाए कोरोना टीके। हरनादा शारजे में पुलिस का मानवीय और दिल को छूने वाला चेहरा सामने आया। थाना अधिकारी रविंद्र सिंह द्वारा खाना बनाने वाले कहार की बेटी की शादी में किया सहयोग। अहोर में विधायक राजपुरोहित ने किया कोविड सेंटर लेटा का निरीक्षण। कोविड मरीजों का हालचाल जानकर पूछी कुशल क्षेम। जोधपुर के तिवरी में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शिविर का ग्राम पंचायत मंडियाई खुर्द में आयोजन। 100 लाभार्थियों ने उठाया लाभ। बिहार के बेगूसराय में अपराधियों ने खुलेआम दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर किया घायल। गोली चलने के बाद काफी देर तक रहा अफरा तफरी का माहौल। फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा जयपुर हाईवे पर अज्ञात वाहन ने मोर को लिया चपेट में। मोर बुरी तरह से घायल। वन विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे मौके पर, ऐसे में ग्रामीणों ने किया मोर का इलाज। आगरा के गांव गुतला के एक प्रेमी जोड़े ने पेड़ पर फंदा लगाकर जीवन लीला की समाप्त। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर जांच शुरू की। फिलहाल खबर गांव शहर बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।